हिमाचल फिर चैंपियन, देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगी, 53,80,000 लोगों का वैक्सीनेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कोटशेरा कॉलेज की छात्रा को कमरे में ले जाकर करने लगा छेड़छाड़, हरासमेंट कमेटी ने भेजा नोटिस। ओमिक्रॉन की डराने वाली रफ्तार, ब्रिटेन में एक दिन में 50% से ज्यादा बढ़ी नए पीड़ितों की संख्या। हिमाचल में अगले दो दिन भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों में जगी बर्फबारी की आस। और सर्दी में 70% तक बढ़ जाते हैं एलर्जी के मामले, छींक आना और आंसू निकलना है लक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में, आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की दूसरी 100% डोज लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। विभाग ने प्रदेश में लक्षित 53,70,000 लोगों को कोविड की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य को हासिल कर प्रदेश को देश का ऐसा पहला राज्य बना दिया है जहां पर लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई है। शनिवार को विभाग ने तय लक्ष्य से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की दो डोज लगाई है, यानी प्रदेश में 53,80,000 लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इस लक्ष्य को हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा आयोजन किया। प्रदेश की पीठ थपथपाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया रविवार को हिमाचल आए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दोनों नेताओं को लेने के लिए शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की जाने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 78 मरीज इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में दो दिन से कोरोना से एक मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को बिलासपुर और चंबा में कोरोना के 3-3 नए मरीज मिले। इसके अलावा हमीरपुर में 7, कांगड़ा में 25, किन्नौर और कुल्लू में 1-1, मंडी में 5, शिमला में 17, सोलन में 6 और ऊना में कोरोना के 10 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में 2,22,831 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 97.95% रहा। 100% का लक्ष्य हासिल करने का दावा कितना व्यवहारिक है, ये तब पता चलता है जब फील्ड में रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। हिमाचल में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको पहले ही डोज नहीं लगी है। दूसरी डोज की पूर्ण घोषणा में कहीं सरकार ने जल्दबाजी तो नहीं कर दी है? इस पर विचार किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी व्यक्ति छूटता है तो फिर ये सुरक्षा घेरा भी टूटता है। इधर शिमला शहर के कोटशेरा कॉलेज में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिस पर आरोप लगा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और इसका नाम वीरेंद्र शर्मा है। अब इस मामले में बालूगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। जल्द ही इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा कॉलेज की सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने भी आरोपी बनाए गए शिक्षक को नोटिस जारी किया है। ऐसी शिकायतें स्कूल से कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय तक अक्सर आती रहती है। इस पर सख्त कार्रवाई के लिए समय समय पर आवाज भी उठती है, लेकिन बाद में केस दबा दिए जाते हैं। पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार शिमला के सरकारी डिग्री कॉलेज कोटशेरा की एक छात्रा ने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि कॉलेज में मैथ्स विषय पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर पिछले एक सप्ताह से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। आरोपी व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए उसे मैसेजेस भेजता है। आरोपी प्रोफेसर ने मिलने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। पीड़ित के मुताबिक 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे के करीब आरोपी प्रोफेसर उसे चौड़ा मैदान में मिला, जहां से वह उसे चक्कर स्थित अपने क्वार्टर ले गया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। कॉलेज छात्रा की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्रवाई अमल पे लाई जा रही है। कानून के तहत काम की जगह पर किसी के मना करने के बावजूद उसे छूना, छूने की कोशिश करना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, सेक्सुअल भाषा वाली टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या कहे अनकहे तरीके से बिना सहमति के सेक्सुअल बर्ताव करना यौन उत्पीड़न माना जाता है। ऐसे में ये हरासमेंट बेहद गंभीर माने जाते हैं। ब्रिटेन में रविवार को ओमिक्रॉन के 86 नए ओमिक्रॉन केस मिले हैं। यूके में अब कुल पीड़ितों की संख्या 246 हो गई है।
शनिवार तक यहां 160 केस थे, यानी एक दिन में ओमिक्रॉन के मामलों में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन यूके में कोविड-19 के 43,992 नए केस मिले। यहां अब तक 1.04 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और बीटा की तुलना में और भी ज़्यादा संक्रामक हो सकता है, साथ ही ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन होने का खतरा भी अधिक है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर अब तक हुई स्टडी से यह बात पता चली है। मंत्रालय ने बताया कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वह फिर से संक्रमित हो सकते हैं। मालूम हो कि ओमिक्रॉन सिंगापुर में भी दस्तक दे चुका है। रविवार को यहां एक और ओमिक्रॉन संक्रमित मिला। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभाव साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वहां संक्रमितों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि अफ्रीका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रामाफोसा इन दिनों घाना की यात्रा पर है। उन्होंने ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के बाद दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य अफ्रीकी राज्यों में ट्रैवल बैन लगाए थे। भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन वायरस के मामलों में वृद्धि बताई जा रही है, यानी रफ्तार नहीं रुकी तो फिर समस्या हो सकती है। अब देश दोबारा बंदिशों के दौर में जाने से परहेज ही करेगा। ऐसे में सरकार को एहतियातन सख्त कदम उठाने होंगे। एक दिन की ब्रेक के बाद रविवार से मौसम फिर बारिश बर्फबारी के लिए तैयार हो गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिन शिमला सहित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। 7 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 8 दिसंबर को फिर बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वीकेंड पर हिमाचल पहुंचे सैलानियों को अब बर्फ की आस बढ़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोठी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई है। मनाली में 12 मिलीमीटर, ठियोग में 6, रिकोंगपियो कल्पा सरहान में 5-5, नारकंडा राजगढ़ शिमला जंजैली रोडू बंजार कुफरी सियोबाग व भुंतर में 3-3 मिलीमीटर बारिश हुई है। शनिवार को मौसम के साफ रहने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जबकि औसतन अधिकतम तापमान सामान्य रहा। शनिवार को केलोंग में 3.4 डिग्री, कल्पा में 1.4, मनाली में 3.2, ढलौजी में 6.3, धर्मशाला में 11.4, भुंतर में 8.4 डिग्री, हमीरपुर में 9.8, मंडी में 9.3, ऊना में 11 डिग्री, शिमला में 7.7, कुफरी में 5.4, सोलन में 7.5 डिग्री, जुब्बड़हट्टी में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बारिश ने मौसम तो खुशनुमा बना ही दिया है, ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसे में जरूरी एहतियात बरतें, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सर्दी में एलर्जी के मामले 70% तक बढ़ जाते हैं। जब भी व्यक्ति एलर्जी पैदा करने वाले कणों के संपर्क में आता है तो शरीर हिस्टामाइन रसायन खून में जारी करता है, जिसके कारण छींक आना, आंखों से आंसू बहना, सिर दर्द की शिकायत होती है। एलर्जी का कारण बनने वाले एलर्जेंस 0.3 माइक्रोन से लेकर 400 माइक्रोन तक हो सकते हैं। धूल के कण 20 माइक्रोन के होते हैं। ऐसे मरीजों में इलाज के तौर पर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। कुछ सावधानियों, बचाव और इम्यूनोथेरेपी से एलर्जी ठीक हो सकती है। सूखे की जगह नम कपड़े का उपयोग ज्यादा लाभदायक है। धूल की सफाई के लिए सूखे कपड़े की जगह हल्के नम कपड़े का उपयोग करें। नम कपड़ा धूल को चिपका लेता है। कपड़ों से धूल के कण हटाने के लिए कम से कम 54 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में धोए। N95 या FFP2 मास्क 0.1 से 0.3 माइक्रोकोन के कणों को भी फिल्टर कर देता है। यह कण इंसानी बाल से लगभग 700 गुना तक छोटे होते हैं। अगर कई दिनों से आपकी नाक बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है या खांसी बरकरार है तो आपको एलर्जी की शुरुआत हो चुकी है। अगर इन लक्षणों के कारण आपको नींद नहीं आ पा रही है तो अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको साइनस में संक्रमण, सिर दर्द और कान में संक्रमण जैसी समस्याएं हैं तो भी संभलने की आवश्यकता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खुद से किसी भी दवा का सेवन ना करें, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।